हसीन साहब गुड मॉर्निंग। आपने कल भी बाजार पर भरोसा दिखाया था, कहा था कि बाजार थोड़ी वीकनेस दिखाएंगे पर वॉलेटाइल रहेंगे, पर अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है और आज अच्छा बाउंस आया है। तो पहले सर एक अपडेट दे दीजिए, जो आपकी कल की कॉल्स हैं या जो आपकी पेंडिंग कॉल्स हैं उन पर क्या करना चाहिए और फिर आपके नए कॉल्स लेंगे। हाँ गुड मॉर्निंग दीपांशु, तो जैसे आपको कहा था वी सेड दैट दिस कुड बी अ वन और टू डे फिनोमेना। आई एम वेरी श्योर ग्लोबल क्यूज आर पॉजिटिव और मुझे लगता है आरबीआई की तरफ से एंड सो ऑन विल बी मच बेटर। So I would say these 2-3 days are vital. We will make a base, but I am very sure that by next week we should be again trending back towards 93 to 9500. क्योंकि मेरी जो कॉल थी दीपांशु, थोड़ी हमने आपको बाय सेल दोनों दी थी और मैंने आपको अभी अपडेट भी करा दिया। वी हैव बुक प्रॉफिट इन एस्कॉर्ट्स एट 834, वी हैव बुक प्रॉफिट इन M&M एट 384 एंड वी आर इन द एंड वी हैव बुक प्रॉफिट इन शॉर्ट्स ऑन बाटा एंड पीडी लाइट। ये चार कॉल हमने क्लोज कर दी है। तो ये है आपके लिए अपडेट भसीन साहब की तरफ से और आइए अब भसीन साहब से कुछ नए कॉल्स ले लिए जाएं। भसीन साहब आज कौन से कॉल्स है, बाय सेल? अनिल जी आज दो बाय है एक सेल है। अच्छा तो शुभ शुरुआत बाय कॉल से की जाए। बताइए सर आज का पहला बाय कॉल। तो सर एक अपडेट और है, कल 2-3 दिन से मैंने आपको एक शेयर पे बहुत तेजी दी थी पेज इंडस्ट्री, आज वो 18200 हो गया है। तो आप या तो उसमें बुक कर लीजिए या ट्रेडिंग का अपना स्टॉप लॉस उसे 18000 कर लीजिए। बट दैट स्टॉक हैज मूव 1000 रुपीज इन अ फॉलिंग मार्केट सर। ओके ठीक है। तो अब चलिए अब मैं सर दो पेज इंडस्ट्री पर भी जी जी सर बताए। तो पहली बाय है सर टाटा स्टील। टाटा स्टील ये 476-77 पे है। टाटा स्टील इज लुकिंग 476 है, 470 का स्टॉप लॉस रखिए, इसमें 488 to 490 का आपको टारगेट मिलना चाहिए। टाटा स्टील इज लुकिंग वेरी गुड ऑन द कमोडिटी साइड और कल ये घटा भी 2-3% था। आई थिंक मेटल्स आर गोइंग टू बी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो टाटा स्टील सेल JSW, बट आज मुझे टाटा स्टील बहुत पसंद आ रहा है। 488 to 490 का टारगेट है, 271 का स्टॉप लॉस। ओके 277-278 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए 271 का स्टॉप लॉस लगाकर टाटा स्टील में खरीदारी करने की राय है भसीन साहब की तरफ से। तो आज का पहला स्टॉक है टाटा स्टील। दूसरा स्टॉक बताएं सर। दूसरा सर रहेगा इंद्रप्रस्थ गैस। गैस डिस्ट्रीब्यूशन में वापस बिजनेस स्टार्ट हो गया, दे आर अप टू 65% कैपेसिटी। 454 का भाव है, 454-455, इसमें 4467 का स्टॉप लॉस रखिए और इसमें आपको टारगेट 465-467 मिलना चाहिए इंद्रप्रस्थ गैस। 465-467 ये दो टारगेट। स्टॉप लॉस क्या बताया भसीन साहब एक बार फिर से बताएं। 447 सर। 447 457 पे लेना है, 447 का स्टॉप लॉस, 467 का टारगेट। वाह 7-7-3 जगह है तो आराम से आपको याद रह जाएगा। 447 के आसपास स्टॉप लॉस, 457 के आसपास एंट्री, 465-467 के आसपास की प्रॉफिट बुकिंग। शॉर्ट वाला बता दें सर अब तीसरा कॉल जो आप शॉर्ट करना चाहते हैं। अनिल जी शॉर्ट में फिर वही पेंट स्टॉक्स होंगे, क्रूड हैज रैलीड और मुझे बर्जर पेंट और वीक लग रहा है और वो एक अच्छा हेज भी होएगा अगेंस्ट राइजिंग क्रूड। 443 का भाव है, 443-444 बर्जर पेंट शॉर्ट करिए, 449 का स्टॉप लॉस रखिए और इसमें 428-430 का टारगेट होना चाहिए। ओके 428-430 ये टारगेट आप बर्जर पेंट के लिए लेकर चलें। यहां पर बिकवाली करने की राय, कच्चे तेल के दाम बढ़ना इनके लिए नेगेटिव भी है और ऐसे में आप फ्यूचर्स के लेवल नोट कर लीजिए। बर्जर पेंट जो भी शॉर्ट कॉल्स हैं उसमें फ्यूचर्स के लेवल नोट करिए और जो भी बाय कॉल्स हैं वहां पर आपको कैश के लेवल्स नोट करने। 441-443-442 यही चल रहा है, यहां पर आप शॉर्ट कर सकते हैं। 449 आपका स्टॉप लॉस होगा, 430-428 तीन टारगेट के लिए।